हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन प्री वेडिंग फंक्शंस उनकी अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। बता दें 1 से 3 मार्च को प्री वेडिंग फंक्शन होंगे। इसी बीच में अनंत अंबानी ने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में अनंत अंबानी ने क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस कपल की सबसे खास बात ये है कि यह कपल काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहा है। प्री वेडिंग फंक्शंस में इनकी दिलचस्प तस्वीरें तो सामने आएंगी ही, साथ ही इस जोड़ी की चर्चा अक्सर होती है। अक्सर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को एक साथ देखा गया है, जहां राधिका मर्चेंट को कई बार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है, तो वहीं राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को लंबे वक्त से जानने की वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना ज्यादा गहरा है। बता दें कि इन दोनों में एक ऐसी चीज है जो काफी कॉमन है, जिसके बारे में हाल में ही अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में बात बताई है। अनंत अंबानी ने एक बातचीत के दौरान बताया कि आखिर राधिका मर्चेंट उनकी जैसी ही क्यों है। जब अनंत अंबानी से ये सवाल पूछा गया कि वो अपना ज्यादातर वक्त जब काम में बिताएंगे और फिर उसके बाद जानवरों के साथ वो अपने दिन को बिताएंगे, तो आखिर क्या इससे उनकी पत्नी को परेशानी नहीं होगी, यानी कि राधिका मर्चेंट को इससे क्या कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें अनंत अंबानी ने काफी खूबसूरती से जवाब दिया। अनंत ने कहा कि मैं पहले से ही 8 से 10 घंटे काम में समर्पित रहता हूँ और दिन भर में 1 से 2 घंटे तो जानवरों के साथ रहता ही हूँ। अच्छी बात यह है कि मेरी तरह राधिका भी पशु प्रेमी है। अनंत ने कहा था कि देखिए, मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं 1 से 2 घंटा हर दिन पशुओं के साथ रहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पापा के साथ काम भी करना पड़ता है, मेरे साथ जो टीम है उसमें लगभग 3,000 मेरे कोलीग्स मेरे साथ हैं। हमें एक साथ रहना पड़ता है, 8 से 12 घंटे काम भी होता है, लेकिन राधिका में एक चीज ऐसी है जो मेरी तरह है, वो भी जानवरों से काफी प्यार करती है। अनंत ने कहा कि वे और राधिका शादी के बाद मिलकर काम करेंगे, इससे चीजें मैनेज होने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अनंत अंबानी ने कहा कि शादी के बाद मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा कि वो भी आकर मेरी मदद करेंगी। अगर आप हाथी का नाम लो तो राधिका बहुत सारे हाथियों को पहचानती हैं। हमें जब भी रात में 4-5 बजे भी फोन आते हैं कि किसी जानवर को इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो हम दोनों यहाँ आते हैं। कभी कभी अगर मैं नहीं भी आ पाया तो राधिका हमेशा ही तत्पर रहती हैं। आगे अनंत कहते हैं कि मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि वो मम्मी पापा और हमें सबको इतनी शक्ति दे कि हम बेहतर काम करें और भगवान की जो इच्छा। इस तरीके से अनंत अंबानी ने अपनी प्री वेडिंग फंक्शन से पहले अपनी जानवरों के प्रति प्यार के बारे में जानकारी दी, बताया कि कैसे वो जानवरों के लिए प्यार करते हैं, उनके लिए सम्मान उनके दिल में है। बता दें कि शादी से पहले अनंत अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने की महत्वाकांक्षी परियोजना वन तारा शुरू की है।